अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 आपका लास्ट चैप्टर, जिसको हमने डिस्कस करना है। पेपर में इसमें से बहुत ही कम डिस्कस होता है। ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा इसमें बहुत ही कम है और MCQs वगैरह के हिसाब से है, और इसमें एक आध एग्जाम्पल वगैरह पूछी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से। तो हम चैप्टर के लास्ट में इसमें आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा गाइड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस होता है, इसके टॉपिक्स मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो आइए ज़रा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर से क्या मामला हमारे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एक शोबे से लिखा लिया गया है, इसका एक शोबा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से लिया गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से लिया गया। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स इसका एक शोबा ब्रांच है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम जो चीज़ें वगैरह हैं बेसिक तौर पर ये भी फिजिक्स का एक पार्ट है। पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसमें क्या कहते हैं, इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रॉन एमिटिंग डिवाइसेस। एक ऐसा फिजिक्स का शोभा बेटा, एक ऐसा फिजिक्स का हिस्सा जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऐसे डिवाइसेस, ऐसे आलात जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन खाली होता है। मिसाल के तौर पर ट्रांजिस्टर में से बेटा इलेक्ट्रॉन्स का खर्च होता है, चार्जेस का खर्च होता है। डायोड, इसमें से चार्जेस का खर्च होता है, इसमें चार्जेस जो है वो इमिट होते हैं। ये सारी डिवाइसेस और भी बहुत सारी हैं, ये सब बेटा किसमें डिस्कस की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस की जाती है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्योंकि इसका ताल्लुक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड तो ये जो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो ये बैंड थ्योरी क्या है उसको बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, मोटी मोटी बातें देखेंगे। ठीक है, साथ के तौर पर फर्ज कर लें यह आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो है वो शेल, दिस इज न्यूक्लियस और ये जो है आपका शेल, जिसको आप शेल कहते हैं। एक्चुअल तौर पे बैंड थ्योरी के हिसाब से ये एनर्जी बैंड, यानी आप इसे शेल भी कह सकते हैं और इसे एनर्जी बैंड। ठीक है, अब ये जो आपको एनर्जी बैंड यानी जो शेल, ये मज़ीद फर्दर और तीन बैंड पर डिवाइड हो जाता है। यानी आप समझ रहे हैं कि शेल एक पट्टी है, ये पट्टी है जो कि एनर्जी बैंड है, तो ये एनर्जी बैंड के अंदर भी तीन और पट्टियाँ, तीन और बैंड होते हैं। ये तीन बैंड कौन से होते हैं बेटा, जैसे एक बैंड कहलाता है बैलेंस बैंड जो होता है बेटा, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर होते हैं। जब आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन किसी शेल में, तो एक्चुअली वो बैलेंस बैंड में होता है। वैलेंस बैंड में एनर्जी हमेशा लो होती है, यानी एनर्जी हमेशा कम होती है। इस वैलेंस बैंड को हम लोग ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और बैंड होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मिडल बैंड। ये फॉर्मिडल बैंड जो होता है इसके अंदर लो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं होती, और एनर्जी ना होने की वजह से यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अभी हम इसके बारे में और भी आपको मुझे बताएंगे। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो आखिरी होता है, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड जो होता है, इसके अंदर एनर्जी खाली। तो एक्चुअली तौर पे कुछ हल्की मल्की सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में यानी एनर्जी बैंड में होता है तो वैलेंस बैंड में होता है। इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी बढ़ती है, तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन मूव करके किस पर लेकर आ जाता है बेटा, कंडक्शन बैंड में लेकर आ जाता है।
अगर फॉरबिडन बैंड ना हो तो, यानी फॉरबिडन बैंड से कोई ख़ास प्रॉब्लम ना आए, तो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ाकर आता है तो वो कंडक्शन बैंड में आता है, फिर जब वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद फर्दर उधर आगे जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के मज़ीद फर्दर आगे जाने से करंट का फ्लो या मुख्तलिफ और तरह के मामला होते हैं, जिनको हम मुख्तलिफ और चैप्टर वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली हमने आपने क्या बात सीखी, किसी भी शेल का मतलब एनर्जी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वैलेंस बैंड में होता है कम एनर्जी के साथ, जो उसकी एनर्जी किसी वजह से बढ़ती है तो कंडक्शन बैंड में आता है, फिर इस तरह फर्दर आगे बढ़ता है। अब इन्हीं बैंड्स की बेस पर हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड सबसे जो हमारे पास सबसे पहला जो होता है नंबर वन उसको हम कहते हैं कंडक्टर। ये हमारा टाइप्स कंडक्टर के आपने बहुत सारी तारीफ सुने तारीफ भी सुनेंगे डिफरेंट ऐसे होते हैं, लेकिन ये कि एक कंडक्शन का और बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप लाइक दिस, यानी ये पूरा ओवरऑल याद रखने का एनर्जी बैंड है एक शेयर, ये पूरा इस शेल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है ओवरलैप होते हैं, इनके बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ये जगह फॉरबिडन की होती है। अब क्योंकि ये ओवरलैप होगा तो यहाँ कोई फॉरबिडन बैंड नहीं है, अगर इनके दरमियान में गैप आएगा तो वो फॉरबिडन को मिलता है, तो क्योंकि ये दोनों ओवरलैप हो चुके हैं इसलिए यहाँ पर कोई फॉरबिडन बैंड नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन्स ये आसानी से अपनी एनर्जी को बढ़ाकर बेटा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। याद रखिएगा वैलेंस बैंड बी बी का होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और ओवरलैप, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, नतीजे में फिर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से मजीद फर्दर आगे जाते हैं, इनसे करंट बन सकता है और मुख्तलिफ मामला होते हैं। सो वॉट आर द कंडक्टर्स जिसमें अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप विद ईच अदर। सो दूसरे टाइप का सब्सटेंस कौन सा कहते हैं इंसुलेटर। तो व्हाट इज इंसुलेटर बेटा, इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है इनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आता है, और बेटा इसी गैप का नाम जो यहाँ से आता जा रहा है ये वाला गैप, इस गैप का नाम रखा गया है फॉरबिडन गैप, या इसको फॉरबिडन बैंड भी कह सकते हैं। और ये गैप बहुत ही ज़्यादा होता है, वाइड होता है, ये बहुत चौड़ा होता है, ये इतना चौड़ा होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हासिल करना इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। तो अगर ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे तो किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, कोई इलेक्ट्रॉन बेस्ड टाइप का फ्लो ना यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ऐसे सब्सटेंस इंसुलेटर कहलाते हैं बैंड ट्यूब के हिसाब से, जिनमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान एक फॉरबिडन बैंड बन जाता है, दरमियान में गैप आ जाता है जैसे यहाँ नहीं था, और ये बहुत ज़्यादा चौड़ा गैप होता है, इसको क्रॉस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। नंबर थर्ड का नाम है बेटा हमारे पास सेमी कंडक्टर। तो व्हाट आर सेमी कंडक्टर बेटा, सेमी कंडक्टर में ये होता है कि ये हो गया कंडक्शन बैंड बेटा और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, इन दोनों के दरमियान गैप होता है, यानी मैं यहाँ पे एफ बी लिख रहा हूँ, एफ बी का एड्रेस बन जाएगा फॉरबिडन बैंड, ये फॉरबिडन बैंड होता है, फॉरबिडन गैप होता है, लेकिन ये गैप होता है बेटा कैसा है आपके शब्द, ये गैप होता है यहाँ पे नैरो, यानी बहुत ही कम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है मूव करना चाहता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो इस इलेक्ट्रॉन को 0.7 इलेक्ट्रॉन की बहुत ही थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो फिर ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और एक दफ़ा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया तो करंट का फ्लो हो जाएगा, मुख्तलिफ और मामला हो सकते हैं। तो याद रखिए अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो फिर ये एक सब्सटेंस बेटा सेमी कंडक्टर, ये कंडक्टर बन जाएगा, यानी कंडक्टर बिहेव करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सका और यानी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसे नहीं मिल सकी तो नतीजे के अंदर ये इंसुलेटर बिहेव करेगा। अब देखिए बिल्कुल
डिफरेंस है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन लास्ट भी चला जाता है, इंसुलेटर में जा ही नहीं सकता, सेमी कंडक्टर में दोनों ऑप्शन है मेरे पास। यानी जो सेमी कंडक्टर होता है उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, यानी ये डुअल बिहेवियर रखता है, सेमी कंडक्टर डुअल बिहेवियर रखता है, डुअल नेचर। कैसे नेचर? मिसाल के तौर पर अगर आपने टेम्परेचर रखा लो, कम टेम्परेचर, एक सेमी कंडक्टर लिया आपने सब्सटेंस और वो कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर का मतलब होता है कम एनर्जी, और वो कम एनर्जी जो होगी वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी, इससे भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकेगा, तो ये सेमी कंडक्टर इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, ये अगर हाई टेम्परेचर पर आ गई, यानी किसी तरह से टेम्परेचर बढ़ गया, हीट ज़्यादा हुई, तो अभी इलेक्ट्रॉन उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से अपनी एनर्जी बढ़ा के रिटर्न करेगा और वैलेंस बैंड से जम करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। ये पेपर में सवाल भी आया था कि सेमी कंडक्टर लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर क्यों होते हैं और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर क्यों होते हैं, तो जवाब थोड़ा सा है, लो टेम्परेचर के उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके फॉरवर्डन बैंड को क्रॉस करके, तो ये इंसुलेटर होते हैं। और बेटा हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हाई टेम्परेचर होने की वजह से बेटा आसानी जा सकते हैं। तो बैंड थ्योरी के बेसिस पर तीन तरह के सब्सटेंस हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करें तो बेटा हम इसे कहते हैं कंडक्टर, ओवरलैप ना करें देन बैंड में गैप आ जाए फॉरबिडन बैंड जो बहुत ज़्यादा वाइड हो तो बेटा हम इसे कहते हैं इंसुलेटर। और इसी तरीके से अगर बेटा फॉरबिडन का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान फॉरबिडन बैंड बहुत ही नैरो हो, कम हो, तो नतीजे के अंदर इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता वैलेंस बैंड से। अगर चल नहीं जाएगा तो फिर इंसुलेटर भी रवैया होगा, और अगर चला जाएगा तो कंडक्टर एडिटिव बिहेवियर, और ऐसे ऑप्शन के रहते हैं सेमी कंडक्टर।